ये चलते हैं बीजापुर, जहां पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। इसके लिए मैं बीजापुर जिले के समस्त निवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अभी हमारे वक्ताओं को आप सुन रहे थे, आदरणीय डॉक्टर साहब रमन सिंह जी, जो विकास के काम यहां पर हुए हैं, और हमको लगता है कि बस्तर क्षेत्र में जो भी विकास के काम हुए हैं, सड़क, बिजली, पानी, 100 करोड़ का पुलिया उतारे थे, सब 15 साल हम लोगों की सरकार में हुए। तो भारतीय जनता पार्टी, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका विकास हमारी पार्टी की सरकार चाहती है, और जो भी विकास हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में, और आज लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबका विकास, इसको मूल मंत्र मानते हुए सबके लिए काम किया है। उनके पहले कार्यकाल में 2014 से 2019 तक उनके साथ काम करने का हमको भी सौभाग्य मिला था, और उन्होंने पहली बार संकल्प लिया था कि हमारी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी, और गरीबों के लिए उन्होंने काम किया। गरीबों का जनधन खाता खोलने का काम, गैस सिलेंडर का काम, शौचालय निर्माण का काम, ये सारा काम उन्होंने अपने 5 साल के काम में किया। तो ये सब काम, विकास का जितना काम हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करती है, आप सब लोग जानते हैं। और ये बस्तर क्षेत्र है, और जो सरगुजा क्षेत्र है, जो ट्राइबल बाहुल है, इसके लिए हमारी सरकार विकास के लिए विशेष प्रयासरत है। इस साल के बजट में भी हम लोग विशेष प्रयास किए हैं, और ये जो नक्सली पीड़ित क्षेत्र है, अब आप लोग देख रहे हैं कि 8-9 महीने से लगातार हम लोग इसके साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, शांति व्यवस्था कायम हो रही है, और नियत नेलानार योजना हम लोग लागू किए हैं, आपका अच्छा गांव योजना, और इसके माध्यम से 35 सुरक्षा कैंप हम लोग जो 5 जिले हैं, संवेदनशील जिले हैं, उसमें खोल चुके हैं, और 96 गांव उसमें शामिल है। आपका भी ये बीजापुर जिले का 33 गांव यहां का भी शामिल है। तो इस तरह से लगातार सुरक्षा कैंप हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, ये बरसात के बाद में और 29 नया कैंप खोलेंगे, और एक सुरक्षा कैंप खोलेंगे तो उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी गांव आते हैं वहां पर सरकार की सारी सुविधाओं को पहुंचाने का काम सरकार का है। आज जितने भी सुरक्षा कैंप खोले हैं और जो 96 गांव उसके अंदर में आए हैं, सब जगह सड़क, बिजली, पानी, वहां राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, वो सब वहां पर पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है, और ये बरसात के बाद और लड़ाई तेज होगी। और चूंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी मोदी जी की सरकार है। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, महादेव सट्टा ऐप मामले में बड़ा अपडेट, इस घोटाले में जेल में बंद सभी आरोपियों की जमानत याचिकाएं हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हजारों करोड़ के इस घोटाले में नितिन तिबरेवाल, सूरज चौखानी, अमित अग्रवाल, गिरीश तलरेजा, ये सभी जेल में बंद हैं। सभी ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, अदालत ने कहा कि नहीं, जेल में रहना होगा।
इधर रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक शुरू हो गई है। प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी कांग्रेस के पार्षद आमने सामने हो गए। हो हल्ले के कारण प्रश्नकाल 10 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। सभा की बैठक भी हंगामेदार होने के आसार हैं। और अब अंबिकापुर से बड़ा अपडेट। संदीप लकड़ा हत्याकांड में 8वें आरोपी मोहम्मद शब्बा अंसारी को गोवा से गिरफ्तार किया गया है। संदीप लकड़ा को कमरे में बंद करके रखा गया था। आरोपी मोहम्मद शब्बा अंसारी कमरे पर पहरा दे रहा था। यह आरोपी गिरिडीह झारखंड का रहने वाला है। गोवा से इसे गिरफ्तार किया गया। एसपी ने बताया कि संदीप लकड़ा की हत्या के जो मुख्य आरोपी है अभिषेक पांडे और ड्राइवर राजा, इनकी भी जल्द गिरफ्तारी होगी। जून की रात जब संदीप लकड़ा को अभिषेक पांडे और उसके साथियों ने उठाकर लाया था, उसके साथ मारपीट की थी और अधमरे हालत में एक गोडाउन में उसको रख दिया था। तो अधमरे हालत में इस संदीप लकड़ा की पहरेदारी करने के लिए दो व्यक्तियों को रखा गया था, जिसमें से मोहम्मद शब्बा अंसारी, जिसको हमने अभी गिरफ्तार किया है, वो अभी वहाँ पर मौजूद था। तो इस प्रकार से इस पूरे प्रकरण में इसकी संलिप्तता पाई गई और जिसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। और नारायणपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, एनआईए ने यहां पर दबिश दी है। पूरा मामला बीजेपी नेता रतन दुबे की हत्या से जुड़ा है। इस मामले में एनआईए की टीम पहुंची है कोशलनार और धौड़ाई गांव में टीम ने छापा मारा है। एनआईए के अधिकारी और बड़ी संख्या में जवान मौके पर मौजूद हैं। और बीजेपी नेता रतन दुबे की हत्या के मामले में मंत्री टंकराम वर्मा का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून अपना काम करता है, कानून से बड़ा कोई आदमी नहीं होता है, और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होती है और दोषियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। रायपुर में ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक यात्री का पैर फंस गया। पूरी अहमदाबाद ट्रेन का यह पूरा मामला है और ट्रेन की सीढ़ी काट कर इस युवक को निकाला गया है। युवक का ट्रेन में पैर फंस गया था। रायपुर का ये पूरा मामला है, रायपुर स्टेशन का। पूरी अहमदाबाद ट्रेन में ये चढ़ रहा था, उसी दौरान इसका पैर फंस गया। आखिरकार ट्रेन की सीढ़ी काट कर इस युवक को निकालना पड़ा। इधर महासमुंद में बाल संप्रेक्षण गृह से 4 बाल कैदी ड्यूटी पर तैनात जवान और अटेंडेंट पर हमला करके भाग गए। पत्थर चलाकर इन्होंने घायल कर दिया जवान और अटेंडेंट को। गेट की चाबी ली और फरार हो गए। चारों की तलाश, बाल कैदियों की तलाश की जा रही है। मुंगेली के खोड़िया वन परिक्षेत्र में अवैध रूप से जो कब्जा किया गया था उस पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। पुलिस, राजस्व और वन विभाग की संयुक्त टीम ने मिलकर वन भूमि परिक्षेत्र से अवैध कब्जे को हटाया। पीला पंजा चलते ही बेजा कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि कब्जाधारियों ने वनों को काटकर अतिक्रमण कर लिया था और इसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया।